मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। डाटा चोरी मामले में एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुख्य आरोपी सही समय पर आएगा सामने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कहा कि कथित डाटा चोरी मामले में मुख्य आरोपी सही समय पर सामने आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला तेदेपा को फंसाने के लिए एक अभूतपूर्व साजिश है। मैंने देश के 72 वर्षों के इतिहास में इस तरह के षड्यंत्र नहीं देखे। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख ने उनकी पार्टी को बदनाम करने के वास्ते भाजपा, YSRC और TRS पर साजिश करने का आरोप लगाया। IT ग्रिड फार्म पर आरोप है कि उसने मोबाइल ऐप तो सेवा मित्र के जरिए मतदाताओं के आंकड़ों की चोरी की है। इस ऐप का इस्तेमाल आंध्र प्रदेश के तेदेपा द्वारा किया गया था। तेलंगाना विशेष जांच दल डाटा चोरी मामले की जांच कर रहा है और IT ग्रिड के प्रमुख डी अशोक को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहा है। साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद के IT फर्म में छापेमारी की थी और दावा किया था कि उसमें कंप्यूटर, हार्ड डिस्क समेत कई अन्य चीजें बरामद की थी। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। TRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामराव ने कहा था कि तेलंगाना पुलिस केवल शिकायत के आधार पर जांच कर रही है और उन्होंने नायडू से पूछा कि यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें जांच से डरना नहीं चाहिए। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कर चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।